हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिजली कनेक्शन के अभाव में लाइट एंड साउंड शो शुरू होने में देरी। जैसलमेर पर्यटन विभाग व आरटीडीसी की ओर से गडीसर पर सैलानियों को आकर्षित करने के लिए 5 करोड़ की लागत से रंगीन फवारे व लाइट एंड साउंड शो का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इसके तहत सरोवर पर काम भी पूरा हो गया, लेकिन अब बिजली कनेक्शन के अभाव में ये शो संचालित नहीं हो पा रहा है। फिलहाल 5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट इस सीजन में गडीसर में डूबता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि दीपावली से जैसलमेर में पर्यटन सीजन का आगाज हो गया है, जिसमें 1 से 1.5 लाख सैलानी जैसलमेर पहुंचे। सीजन होने के बावजूद गडीसर तालाब पर सैलानियों को नजारा नहीं देखने को मिल रहा है। गडीसर पर लाइट एंड साउंड शो सिस्टम का काम पूरा हो चुका है, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण लाइट एंड साउंड शो सिस्टम का फायदा सैलानियों को नहीं मिल पा रहा है। गडीसर पर चल रहे इस प्रोजेक्ट में बिजली कनेक्शन के लिए पूर्व में 22 लाख रुपए जमा, उद्घाटन की भी कोई गाइडलाइन नहीं है। ऐसे में दोनों ही तरफ से सुस्ती चल रही है। गडीसर पर चल रहे इस प्रोजेक्ट के तहत लाइट एंड साउंड शो के साथ जैसलमेर का इतिहास भी दिखाना है। वीडियो प्रोजेक्ट के माध्यम से पानी पर वाटर स्क्रीन से सैलानियों को यदुवंश से लेकर ऐतिहासिक स्थानों के इतिहास का दिग्दर्शन करवाने हैं। भ्रमण आने वाले सैलानी जैसलमेर शहर में रात्रि विश्राम कम ही करते हैं, क्योंकि शहर में नाइट टूरिज्म के लिए कोई स्थान नहीं है। सैलानी दिन में शहर के ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण कर सम व खुहड़ी पहुंच जाते हैं। वहां केमल सफारी व लोक नृत्य के कार्यक्रम देखने के बाद अगले दिन यहां से निकल जाते। लेकिन अब गडीसर में होने वाले इस लेजर शो के चलते सैलानी एक दिन का स्टे जैसलमेर शहर में करेंगे। गडीसर को लेकर कई बार प्रोजेक्ट बने, लेकिन एक बार भी कामयाब नहीं हुए। करीब 1.5 दशक पूर्व गडीसर सरोवर के बीच स्थित कलात्मक छतरियों में फवारे लगाए गए थे, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद वे खराब हो गए। उसके बाद कुछ साल पहले सरोवर के बीच में अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे रंगीन फवारे लगाए गए। पहले डिमांड राशि जमा करवाने में देरी हुई, इसके बाद डिस्कॉम से देरी हुई है। अब काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जल्दी गडीसर पर लाइट एंड साउंड शो सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। JR चौधरी, अधीक्षण अभियंता डिस्कॉम, जागरूक टीवी के जैसलमेर से अचल डांगरा की रिपोर्ट।